वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में तो आती ही रहती हूँ, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं कुछ आज बना के दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं किचन से आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी कढ़ी पकौड़े। अच्छा, पकौड़े मैंने ऑनियन के मुझे बनाने की मैंने प्लान किया है, मैंने बनाने की प्लान की है और उसके हिसाब से मैंने पूरा तैयारी करके रखा है। ऑनियन में थोड़ा बहुत मैं जैसे कि धनिया और पुदीना जो है उसे भी डालने वाली हूँ और हरी मिर्च और ऑनियन उसके साथ हम जो ग्राम फ्लोर है उसके साथ मिला के उसकी पकौड़े पहले बना के रखेंगे, उसके बाद कढ़ी के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, आज मेरे बेटे का मन कर रहा था कि कढ़ी पकौड़े खाए, वो चावल के साथ खाना नहीं चाहता है, रोटी के साथ खाना चाहता है। तो चलिए आप भी आ जाइए, अगर आप आएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, मेरे वीडियो के थ्रू आप भी सीख जाइए। चलिए बनाते कढ़ी पकौड़े। तो मैं आज बनाने जाने वाली हूँ, बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। पकौड़े के लिए मैंने प्याज के पकौड़े बनाना चाहा तो प्याज के पकौड़े के लिए मैंने प्याज लिया है, प्याज लंबा लंबा काट लिया है ऐसे वाला, और थोड़ा पुदीना डाला है मैंने, क्योंकि बच्चे कभी कभी पुदीने की चटनी, मेरा बेटा तो खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने पुदीना डाला, थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाला, कोरिएंडर की पत्ती जो है वो भी डाला है, और एक जो ग्रीन चिली है उसे भी मैंने कट करके डाला है, और थोड़ा बहुत मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला है, और स्वाद अनुसार नमक भी डाला है। आज बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। बहुत दिन हो गया मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि डीप फ्राई रहता है तो मुझे बेटा तो खा लेगा, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी अगर घर में बनाएंगे, क्योंकि बाहर तो हम लोग जाते नहीं हैं तो घर में ही बनाना पड़ेगा, वही खा खा के बोर हो गए होगा, तो उसने वो बोल रहा था कल कि आप बना लीजिए, आज कढ़ी पकौड़ा बना लीजिए मेरे लिए करके। तो मैंने इसे ग्राम फ्लोर में मिक्स कर दिया है, और अगर आपको सॉल्ट कम पड़ जाता है तो टेस्ट के अनुसार आप सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए, और मैंने अजवाइन और जीरा जो है थोड़ी मात्रा में उसमें मिलाया है, हाफ टेबल स्पून जितना मिला है मैंने। ठीक है, अब ये बैटर रेडी हो गया है, मैं ये तेल गरम करने रखी हूँ, पहले मैं पकोड़े बना ले के रख दूँगी, उसके बाद मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो ये बन गई मेरी पकोड़े नहीं प्याज के पकोड़े बन गई है। मैंने प्याज सब इसमें क्यों डाला, क्योंकि अगर आपको ऐसे भी खाने का है तो ऐसे खा सकते हो, नहीं तो अगर पकोड़े कढ़ी में डाल के भी खा सकते हो, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, और उसमें पुदीना और प्याज सब रहता है ना, तो बच्चे भी इजी से खा लेते हैं। तो ये मेरी पकोड़े बन गई हैं, अभी मैं तैयार करूँगी कढ़ी के लिए। कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 3 मिर्च मैंने डाला है, हरी मिर्च और ये लहसुन, 4 लहसुन डाला है, लहसुन की बोई और ये रही धनिया। धनिया मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने उसी में एडजस्ट कर लिया है। अभी बनाती हूँ, इसमें मिक्सी करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसका पेस्ट बनाया, इसमें बिना पानी के आप पेस्ट बना लीजिए, बाद में इसे फिर एक बार आपको ग्राइंड करने का है, तो वो दही के साथ करने का है, तो बस इतना सा कर लीजिए पहले। मैंने और एक मिक्सी का जार ले लिया, क्योंकि वो तो छोटा था, उसमें चटनी जैसे बना सकते हैं, और मैंने उसमें मिर्ची का जो बनाया था ना वो उसमें रखा है, और इसमें मैंने आधा कप दही लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने ग्राम फ्लोर लिया है, और स्वाद अनुसार नमक, और ये हल्दी का पाउडर आधा टेबलस्पून। ठीक है, बस इतना सा, और जो हमने ये मिश्रण किया है, ये जो हमने करके रखा है उसे भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, हमने
डाल दिया। अभी पानी इसमें मिक्स मत कीजिए, पानी ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो कर्ड रहता है उसमें पानी रहता है। ये बन गई हमारी कड़ी का पेस्ट। इसमें हमने वो जो पेस्ट बनाया था ना ग्रीन चिली का, और जो पहले बनाया था हमने ग्रीन चिली का, वो भी इसमें मिला देंगे, मिलाया है हमने। और इसका फिर से मैंने एक पेस्ट बना दिया। अभी बनाएंगे कड़ी के लिए, हम बनाएंगे कड़ी। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें तेल डालूंगी, 2 से 3 टेबलस्पून तक तेल डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि ऑलरेडी जो पकोड़े रहते हैं वो डीप फ्राइड रहते हैं। इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, इसमें मैंने डाला जीरा, टीस्पून जीरा डाल दिया, और आधा टीस्पून मैंने हल्दी भी डाल दिया है, और मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। मैंने जो पेस्ट था उसमें उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको आपको इसमें आपको पानी भी मिलाना पड़ेगा, 2 से 3 कप तक पानी मिला सकते हो, क्योंकि इसमें दही और जो ग्राम फ्लोर रहता है उससे कड़ी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए बन गई कड़ी, और इसे 10 मिनट तक आप उबाल सकते हो। पानी थोड़ा ज़्यादा ही मिला दीजिए, 3 कप पानी तो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको ये गाढ़ा हो जाएगा, और इसमें हमें पकौड़े भी डिप करने का है तो और भी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें नमक थोड़ा कम लगेगा तो आप अभी नमक ऐड कर सकते हो। तो ये बन गई कड़ी, इसे ज़्यादा मत उबालिए क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें पकोड़े भी मिलाने का है, लेकिन मैं पकोड़े इमीडिएटली नहीं मिलाऊंगी, जब खाने के टाइम आ जाएगा ना तभी मैं मिलाऊंगी, क्योंकि पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं इसमें। इसलिए अगर इमीडिएटली आप सर्व करने का है तो मिला के सर्व कीजिए, वरना आप इसे उसी टाइम पे मिला के सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गई हमारी कड़ी पकौड़े, इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हो या रोटी के साथ भी खा सकते हो। अगर ज़्यादा तीखा बनाने का है आपको तो आपको हरी मिर्च ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन 1 से 2 काफ़ी है, उससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। उसके साथ कड़ी अगर खट्टा है तो अच्छा लगेगा, वरना ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बहुत ही खा नहीं पाएंगे, बच्चे खा नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बन गई कड़ी पकौड़े। तो ये देखिए अंदर से पकौड़े प्याज की, और ये बहुत ही टेस्टी रहता है, आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए। ये बन गई रोटियाँ, और रात के खाने में खाना तैयार हो गई। ये आपको फैन कैसा लगा? ये तो आपने देखा ही है, तो मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, क्योंकि जब भी मुझे बहुत ही यहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाता है तो मैं इसे डाल के 1-5 मिनट इसकी हवा ले लूँगी, उसके बाद ऑफ करेंगे, ठीक है। बाय। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरी हमारी जो बनाई हुई कड़ी पकौड़े? आप भी घर में ट्राई कीजिए, मुझे लगता है आपको भी पता होगा, लेकिन अगर किसी को बैचलर्स को पता नहीं है तो आप इसे देख के बना सकते हो, ठीक है। चलिए आज का ब्लॉग तो ये नहीं, ये रेसिपी का मैंने रेसिपी आपसे शेयर की है, आज मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि रोज़ अगर ब्लॉग से अच्छा है आपको थोड़ा रेसिपीज भी सिखा दूँ दिखा दूँ। चलिए फ्रेंड्स, और एक ब्लॉग के साथ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ विनिया पाई ब्लॉग्स, ठीक है। मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, अगर कुछ रेसिपीज ऐसे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।